राजस्थान में लगातार तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 6 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए। बीकानेर, जयपुर में एक एक और झुंझुनू में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दौसा में 2 लोगों की कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लगातार ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 210 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से 5वीं मौत हो गई। SMS के बर्न वार्ड में घाट गेट निवासी बुजुर्ग की मौत हुई। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तमाम प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 21 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। चिकित्सा विभाग लगातार प्रयासरत है। दो पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो चुकी है और साथ ही 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चलिए फिलहाल न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 5 मौत राजस्थान में हो चुकी हैं। हालांकि सभी लोग बुजुर्ग थे। इनमें से मैं ये जानना चाहूंगी कि फिलहाल क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस चीज को कंट्रोल करने के, क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं? बिल्कुल, लगातार राजस्थान में कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक प्रदेश में 210 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि जो मौत हुई है वो सब जो बुजुर्ग थे और 60 साल से अधिक उम्र के जो लोग थे उन्हीं की डेथ हुई है। हालांकि उनको जो 3 जो कोरोना के जो पॉजिटिव की मौत हुई उनके अलग अलग इनकी वो दिए गए थे कि कोरोना के चलते उनकी किडनी डैमेज और ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि कोरोना सीधा अटैक करता है सीधा फेफड़ों पे और उसके बाद में किडनी डैमेज होती है और ब्रेन हेमरेज के चलते इनकी इनकी मौत हो रही है, जो एक महत्वपूर्ण और गंभीर समस्या है। इसी तरह लगातार कोरोना के पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 6 कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज वो सामने आए हैं। वहीं जो 5वां जो मौत हुई है वो जयपुर का रहने वाला है और जो 82 वर्षीय जो बुजुर्ग है इसकी मौत हुई है। साथ ही जिस तरह से लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं उसी में एक और जो नया है जो सूचना सामने आ रही है उसमें है कि SMS मेडिकल कॉलेज के कैंटीन में भी एक कोरोना का जो पॉजिटिव है वो सामने आ रहा है। वहाँ पे काम करने वाला वर्कर जो कोरोना का पॉजिटिव वो सामने आ रहा है, जो भी एक बड़ी चुनौती चिकित्सा विभाग के सामने खड़ी हो सकती है अब। लेकिन चिकित्सा विभाग इस पर गंभीरता से काम कर रहा है। लगातार जो जो कोरोना के जो पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उनके संपर्क में आने वालों को आइसोलेट किया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए। अभी तक जो प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में अब तक तबलीगी जमात से जुड़े हुए 48 लोग वो कोरोना से संबंधित पॉजिटिव सामने आए। वहीं बात करना चाहें तो इनके संपर्क में आने वाले भी 15 कोरोना के जो पॉजिटिव है प्रदेश में वो सामने आ चुके हैं। वहीं 28 लोग ईरान से लाए गए जो भारतीय है उनमें से कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं, जो भी एक बड़ी संख्या है। इस तरह से प्रदेश में कुल 210 कोरोना के पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग के साथ ही अब पूरे प्रदेश के इनके 7 करोड़ लोगों की जांच है वो की जाए। इसके लिए भी जो किट कोरोना जांच किट है वो बाहर से मंगाए जाएंगे। चिकित्सा विभाग की जो टीम है और जो अधिकारी है वो विदेशी कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं ताकि वो कोरोना की जो किट जांच किट है वो मंगवाई जाए और जाँच प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर चिकित्सा विभाग सहित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गंभीरता से प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। साथ ही जिला कलेक्टर्स और SP को लॉकडाउन के दौरान व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल लोकेश, मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए इस समय जहां हर तरफ भय का माहौल है, लोग काफी डरे हुए हैं, ऐसे में चिकित्सा कर्मी जो है, डॉक्टर्स जो है, लगातार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, भगवान का काम यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से जो मरीज हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के किस तरीके से प्रयास डॉक्टर्स के द्वारा किए जा रहे हैं, इससे जुड़े कोई अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरह से इस समय कहा जा सकता है जो डॉक्टर्स हैं वो भगवान का रूप लेकर अभी काम कर रहे हैं, चिकित्सा कर्मी है वो भगवान का रूप लेकर काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में चिकित्सा कर्मी लगातार एकजुटता के साथ इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना के जो पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट सामने आ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें आत्मविश्वास की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। जिस तरह से कोरोना का जो मरीज है अधिकतर, हालांकि जिस तरह से 2 कोरोना के पॉजिटिव मौत हुई थी वो हार्ट अटैक भी उनमें एक मुख्य कारण सामने आया है।
इसी वजह से अधिकतर डर की वजह भी कोरोना के दौरान मौत सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो माना जाता है। इसलिए जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज है उनका मनोबल बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है और जब उनमें आत्मविश्वास आएगा कोरोना से संबंधित लड़ाई से लड़ने के लिए, क्योंकि दरअसल कोरोना जब पॉजिटिव हो जाता है तो इम्यूनिटी सिस्टम मरीज का वो कम हो जाता है, और जब मरीज घबरा जाता है तो इम्यूनिटी सिस्टम और धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इस दौरान इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है वो कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि मरीजों को अधिक से अधिक जो ठीक किया जाए। इसका उदाहरण भीलवाड़ा में देखा जा सकता है। भीलवाड़ा में जिस तरह जो पॉजिटिव मरीज थे बड़ी संख्या में इनके ठीक हो चुके हैं वो एक महत्वपूर्ण उदाहरण कहा जा सकता है। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चिकित्सा विभाग भी लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। फिलहाल